भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, अमित भाई, निर्मला जी, भाजपा के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीगण, देश के कोने कोने में उपस्थित सभी भाजपा कार्यकर्ता, आज बहुत ही शुभ दिन है। देश के कई राज्यों में इस समय नववर्ष का उत्साह है। बंगाल में पोयला वैशाख का आनंद है, असम में बोहाग बिहू के साथ देश बैसाखी का जश्न भी मना रहा है, ओडिशा में पाना संक्रांति हो, केरल में विशु हो या फिर तमिलनाडु में नव वर्ष पुथांडु हो, सबको शुभकामनाओं का दौर चल रहा है। आज नवरात्रि के छठे दिन हम सभी मां कात्यायनी की पूजा करते हैं और मां कात्यायनी अपने दोनों भुजाओं में कमल धारण किए हुए हैं। ये संयोग भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इनके सब के साथ सोने में सुहागा आज बाबा साहब आंबेडकर की जयंती भी है। ऐसे पावन समय में आज भाजपा ने विकसित भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है। मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं राजनाथ जी और उनकी पूरी टीम को भी इस उत्तम मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए उनका अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर में से लाखों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अप्रतिम विश्वास रखते हुए जो सुझाव भेजे, इस संकल्प पत्र को बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाई, इसके लिए भी देश के लाखों ऐसे सक्रिय नागरिक अभिनंदन के अधिकारी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। साथियों, पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है। 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है।